आज डॉक्टर जिगारो कानो इन्होंने इस संसार में उन लोगों की शुरुआत की थी और आज इनका हैप्पी बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे। दोनों की शुरुआत कैसी हुई, कहाँ से हुई? जापान से, ये जापान के रहने वाले हैं। जापान में पहले आईडिया में पहले कहते हैं और रिक्शों के टाइम में कुछ टाइम में सेल्फ डिफेंस के रूप में जूडो को अपनाया गया और ऐसे ही जापान में भी बहुत सारे ऐसे क्लब थे जिसके अंदर सिर्फ थ्रोइंग टेक्निक सिखाई जाती थी। कुछ क्लब ऐसे थे जिनमें सिर्फ चॉपिंग और लॉकिंग यही टेक्निक सिखाई जाती थी और जिगारो कानो ने पहले एक क्लब ज्वाइन किया जिसमें सिर्फ थ्रो रोल के बारे में सिखाया था, उस क्लब को ज्वाइन किया और दूसरे क्लब में दूसरी जगह जहाँ पर सिर्फ चौक और लॉक सिखाया जाता है। ऐसे इन्होंने 3-4 साल एक क्लब में सीखा, फिर 3-4 साल के बाद एक दूसरे क्लब में सीखा, फिर दोनों को सीखने के बाद एक नया गेम बनाया जूडो, जेंटल वे, जूडो जो मीन जेंटल, जो मीन वे। तो एक तीसरा क्लब बनाया तो पूरे जापान में ऐसे 3 गेम हो गए अलग अलग। फिर यूं एक दिन ऐसा आया कि यूं कहने लग के जापान का राष्ट्रीय खेल किसको बनाया जाए, वो कहने लगे थ्रो और होल्ड वाले को हमारे हमारे क्लब वाले इनको बनाना चाहिए और दूसरे क्लब वाले कहने तो तीसरा क्लब बनाई कहने लगे हमारे वाले को। तो 11 प्लेयर इस टीम के लिए थ्रो होल्ड वाले के, 11 प्लेयर लॉक चौक वाले के लिए और 11 प्लेयर उनको जिसमें लॉक थ्रो होल्ड लॉक चौक तय करना था कि जापान का राष्ट्रीय खेल किसे बनाया जाए। तो उस दिन ये 11 प्लेयर तीनों क्लब के 11 प्लेयर बैठे उनका कॉम्पिटिशन बनाया गया। 11 में से 8 खिलाड़ी जूडो के जो थे वो जीते। तो उसमें उस टीम से और हमेशा के लिए और टूर्नामेंट में जूडो का बहुत और इंडिया का भी नाम काफ़ी जूडो में काफ़ी अच्छा है। अभी हरियाणा की बात करते हैं, इसमें जूडो में हरियाणा का पहला दूसरा इस स्थान पे रहता है, ज़्यादातर फर्स्ट प्लेस पे ही रहता है। अभी देखा होगा ये नेशनल गेम्स हो रहे थे, इंडिया में टॉप पे हरियाणा ही था और हमारे यहाँ से भी गुड़गांव से भी बहुत बच्चे निकले हैं जूडो में, बहुत निकले हैं। ओलंपिक में हमारे यहाँ से गए हैं, और करीमा चौधरी है गुड़गांव से, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल है, नीलू भारद्वाज उस दिन दोनों बहन भाई विधवा बहन भाई है, अभी नेशनल में कई बार मेडल है। अभी यहाँ पर बोर्ड भी लगा रखा हमने जिसके लिए मैम ने वहाँ बोर्ड लगा रखा था, तो यहाँ भी जगह लगाने की तो इसी खुशी में एक बार सभी ने हिल के सभी का प्रयास है थोड़ा 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 थोड़ा। और हाँ कल का कॉम्पिटिशन है पता ना, अभी आज के चक्कर में कल मत भूल जाना जी सर। तो कुराश में सैक्रिफाइस टेक्निक कोई मतलब नहीं, ठीक है? सैक्रिफाइस टेक्निक कौन कौन सी होती है?
जिसमें आप अपोनेंट को टेक्निक लगाते समय पहले आप गिरते हो, ठीक है, जैसे तुम्हें ना गिर की वजह से, ये भी है। तो ये वाली टेक्निक मत लगाना, क्योंकि गेम जो क्रैश करो वो लैंडिंग का, जो पहले गिरेगा पॉइंट अपोनेंट को मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, रखते हैं।